तो गैस अगर आप भी फेस को स्मूथ करना चाहते हो वो भी बहुत ही आसान तरीके से, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक ही हो। आज मैं आपको जो ट्रिक देने वाला हूँ, बस आपको फोटो को डालना है और फेस स्मूथ होकर आ जाएगा। अगर आपको भी ये ट्रिक को सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गैस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस एडिटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको ओरिजिनल फोटो को दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे भाई झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर गाइस देख सकते हो पिंपल वगैरह और दाग धब्बे कितना ज़्यादा भर भर के यहाँ पर फेस में, ये सभी को मैं कुछ सेकंड में क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए बताता हूँ आपको ट्रिक के बारे में। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, और गाइस आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर लिखना है आपको VIGESLAB विजेज लैब लिख करके आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये रहा हमारी वेबसाइट विजेज लैब। तो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन गाइस यहाँ पर ओपन हो चुकी है, लेकिन गाइस आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर आपको कुछ फोटो सैंपल दिखाएगा बिफोर एंड आफ्टर करके, इसी वेबसाइट पर कितने अच्छी तरह से स्मूथ हो रहा है ये सब बता रहा है, लेकिन इसमें हमारे कुछ काम नहीं है। तो अभी जो हमारी काम है यहाँ पर इनहेंस योर फोटो पर क्लिक करना है। तो राइट इधर आपको ऑप्शन मिलेगा इनहेंस योर फोटो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और गाइस आपको यहाँ पर फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है, तो ये रहा फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है, तो फाइल को सिलेक्ट करके आपको फोटो को सिलेक्ट करना है। तो जिस भी फोटो को सिलेक्ट करना चाहते हो उसी फोटो को सिलेक्ट करना है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो लोडिंग का प्रोसेस ले रहा है, 100% तक आपको वेट करना है। तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारी फोटो, ये सभी प्रोसेस को कंप्लीट करके हमारी जो फोटो बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा। बस आपको थोड़ा वेट करना है और हमारी फोटो बनकर तैयार हो चुकी है। गाइस यहाँ पर फोटो को देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ हुआ है, और यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ, बहुत ही नेचुरल तरीके से यहाँ पर स्मूथ हुआ है। गाइस आपने खुद ही देखा है, मैंने बस फोटो को अपलोड किया और अभी फोटो स्मूथ होकर आ चुकी है। तो चलिए आपको बताता हूँ अभी आपको फोटो को सेव कैसे करना है। सिंपल आपको फोटो को ऊपर प्रेस करके होल्ड करके रखना है, और गाइस यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये रहा सेव का ऑप्शन, सिंपल आपको ये सेव ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। तो चलिए आपको बताता हूँ अभी आपको मेरा ओपिनियन क्या है। इसी वेबसाइट को यूज करने का मेरा ओपिनियन ये है कि आप बिल्कुल बिना झंझट के ये वेबसाइट को यूज कर सकते हो, लेकिन कैसे एक दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पर स्मूथ करते वक्त छोटा छोटा पार्ट छूट जाता है, ठीक से स्मूथ नहीं हो पाता है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। इसी वक्त आपको क्या करना है, ये फोटो को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको दोबारा इसी फोटो को इसी वेबसाइट पर ही अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर और भी हाई लेवल पर फोटो स्मूथ होकर आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा इस मिलते अगले किस वीडियो में।